हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक बोर्ड कैसे बनाना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो हम इस क्यूब से है बोर्ड बनाने वाले, तो इसको हम वायर फ्रेम मोड में लेके जाते हैं, एडिट मोड में लेके जाते हैं और 3 प्रेस करके इस फेस को ई प्रेस करके एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब वायर फ्रेम मोड में कैसे जाना है, अगर आप राइट साइड में अप साइड में देखोगे तो 4 व्यूज़ आपको मिलेगी। उसमें जो फर्स्ट व्यू है वो है वायर फ्रेम और सेकेंड जो है वो सॉलिड। इसकी हाइट जो है हम अभी कम कर देते हैं जेड एक्सिस पे, क्योंकि हमें बोर्ड की हाइट कम चाहिए। अब एडिट मोड में जाते हैं और यहाँ पर एक लूप कट बना देते हैं कंट्रोल आर प्रेस करके, और हम इसमें एक नया मॉडिफायर सीखने वाले हैं जिसका नाम है मिरर मॉडिफायर। उसमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट का जो है हाफ पार्ट ही डिज़ाइन करते हैं और हाफ पार्ट अपने आप खुद ही डिज़ाइन होते जाता है। तो हम ये जो हाफ पार्ट है उसको डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट कर देंगे और एक्सप्रेस करके डिलीट फेसेस करेंगे तो हमें ये ऐसा कुछ मिलेगा। और ये ऊपर के भी फेसेस हमको डिलीट कर देना है, एक्सप्रेस करके फेसेस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा सा दिखेगा। इसमें एक मॉडिफायर ऐड करेंगे सब डिविजन सरफेस ताकि ये और सॉफ्ट नज़र आए, और एक और मॉडिफायर मिरर मॉडिफायर। अब बिल्कुल इसका डुप्लीकेट जो है वो हमारे पास तैयार है और जो जो भी हम इसमें एडिट करेंगे सेम टू सेम एडिट होते जाएगा। अब हम इसमें एडिट मोड में जाते हैं और यहाँ से इस वर्टेक्स को इस चीज़ को ऊपर ले आते हैं ताकि ये कंप्लीट नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम छोटा सा ऐसा कर्व नज़र आ रहा है, हमें उसको हटाना है। तो हम इसको ई प्रेस करके एक्सक्लूड कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा ताकि ये जॉइंट नज़र आए हमें। अब हम सामने से जो है इसकी हाइट कम कर देते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इस वाले एज को फ्लैट करेंगे तो यहाँ से ये फ्लैट होते जाएगा। अब हम साइड वाले एज को भी शॉर्ट कर देते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और शॉर्ट हो जाएगा। जब तक ये थोड़ा बोर्ड जैसा नज़र नहीं आता हम करेंगे, और जो जो भी हम इस वाले पार्ट में एडिट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली दूसरे साइड में वो होते जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एफर्ट है वो हाफ हो गया है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम इस तरीके से कंट्रोल आर लगाएंगे, लूप कट लगाएंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड से बिल्कुल फ्लैट हो गया है। अब हम इस एज को एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि जो बॉर्डर है वो थोड़ी थिक नज़र आए, मोटी नज़र आए। तो अल्ट प्रेस करके एज को सेलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करके एक्सक्लूड कर देंगे तो ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब हम थोड़ा नीचे भी लेके जाते हैं इसको, ई प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे माउस तो ये नीचे तरफ एक्सक्लूड होगा, और एस प्रेस करके साइज़ जो है वो छोटा कर देंगे ताकि ये हमारे बोर्ड के बाहर ना जाए, बोर्ड के अंदर ही रहे। एस प्रेस करके छोटा कर देते हैं। अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो हमारी बोर्ड कुछ इतनी बन गई है। अब हमें सामने से थोड़ा और शेप देना होगा। तो हमको उसको कंट्रोल बी करके और फ्लैट करना होगा।
यहाँ पर एक और चीज़ सीखने वाले हैं जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग। वो क्या होती है? तो यहाँ सेंटर में ऊपर देखेंगे आप तो आपको ग्लोबल के साइड में कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसमें एक डॉट है। इसको प्रेस करने से जिस भी एज को हम सिलेक्ट करते हैं या जिस भी वर्टाइसेस को हम सिलेक्ट करते हैं उसके उस सर्कल के प्रोपोर्शन में जितनी भी चीज़ें होगी वो सब भी प्रोपोर्शन में मूव होगी। अभी हमने सिर्फ एक वर्टेक्स को ही मूव किया पर हमने क्या देखा कि उससे जॉइंट जितनी भी एजेस थी, जितनी भी सर्कल में एजेस आ रही थी वो सब मूव हुई। तो हम इसी के हेल्प से हमारे ऑब्जेक्ट को शेप देंगे। तो इस तरीके से इसको इनसाइड लेके जाते हैं क्योंकि हमें इन एजेस की ज़रूरत नहीं है। तो जी प्रेस करके सिंपल वर्टाइसेस को मूव कराना है। हम इसमें भी प्रोपोर्शनल एडिटिंग का यूज़ करेंगे, इन एजेस को भी थोड़ा ऊपर लेके आएंगे क्योंकि बोर्ड का जो बॉटम सरफेस होता है वो कर्व इसमें होता है। अब ये सेंटर से जो है थोड़ा गैप नज़र आ रही है, हमें इस गैप को रिमूव करना होगा। तो हम सिंपली जो सेंटर में वर्टेक्स आ रहा है उसको मूव करेंगे तो ये जो स्पेस है, जो वैकेंट स्पेस है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बोट है वो रेडी हो गई है। तो हम इसको कलर दे देते हैं, शेडिंग में जाते हैं, एक न्यू मटेरियल ऐड करते हैं और कलर दे देते हैं ब्राउन कलर का। ठीक है, और यहाँ पे हम मटेरियल प्रीव्यू पे जाएंगे तो हमें कलर नज़र आएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो बोर्ड में सेंटर में कोई वुडन टाइप का प्लेट होता है हम वो चीज़ बनाएंगे। तो हमने इसलिए एक क्यूब को ऐड कर लिया, उसका शेप जो है चेंज कर लिया एक्सप्रेस करके इसका साइज़ भी चेंज कर लेंगे और इतना ठीक रहेगा। तो हम इसको एक कलर दे देते हैं ऑरेंज कलर का। इसको शिफ्टी करके सेम टू सेम एक और बना दिया हमने और इसका शेप जो है हमें चेंज करना होगा क्योंकि ये हमारे बोर्ड के बाहर निकल रहा है। तो जो ये बाहर निकलने वाला साइड है उसको हम मूव करेंगे और बोर्ड के अंदर लेकर आएंगे। हम एडिट मोड में जाएंगे और ये जो एज है उसको जी प्रेस करके बोर्ड के इनसाइड लेके आएंगे। हम वायर फ्रेम मोड में जाते हैं ताकि हमें क्लियर नज़र आए कि हमारा एज अभी कहाँ है। तो हमने जी प्रेस करके एजेस को इनसाइड लेकर आ गए। सो हमारी बोर्ड जो है वो इस तरीके से कुछ दिखेगी। हम एक प्लेन ऐड कर लेते हैं और हम इसको एक मॉडिफायर देंगे, ओशन मॉडिफायर, जिससे कि हमें वेव जैसी
टेक्सचर नजर आएगा इस प्लेन पे। तो हमने एक वेव मॉडिफायर ऐड किया, सेम मॉडिफायर में जाना है, वहाँ पर एक वेव मॉडिफायर लिखा होगा, वहाँ क्लिक करना है और हमारे सामने इस टाइप का कुछ नज़र आएगा। इसका स्केल जो है हम छोटा कर देते हैं, एस प्रेस करके माउस ड्रैग करेंगे तो इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। और इस वाटर, हमको वाटर जैसा टेक्सचर देना है तो इसका कलर जो है हम ब्लू कर देते हैं। तो इस टाइप से हमारा बोट रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।